मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप सारे कॉर्ड्स को प्ले कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सो अगर आप भी सारे कॉर्ड्स को आसानी से प्ले करना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जयेश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड अ पियानो कोच। सो आज के इस वीडियो को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज फॉर्मूला, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड्स। फिर सेकेंड इज कि कैसे आप कॉर्ड्स को प्ले करोगे, मतलब प्लेइंग ऑल द कॉर्ड्स। एंड थर्ड इज सुपर एक्सरसाइज जो कि आपको फॉलो करनी है ताकि आप कॉर्ड्स को आसानी से शिफ्ट कर सके एंड चेंज कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूला से। पहले हम सीखेंगे मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला, कैसे हम मेजर कॉर्ड्स को फॉर्म करते हैं। तो पहले तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि कॉर्ड्स होते क्या हैं। देखिए, जब भी आप थ्री नोट्स मतलब तीन नोट्स को एक साथ में प्ले करते हो कोई भी सॉन्ग के साथ या ऐसे अकेले, तो जब वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कलेक्टिव तीन नोट्स का एक साथ में साउंड होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने तीन नोट्स साथ में प्ले किए, एफ ए सी। तो जब ये तीन नोट को मैं साथ में प्ले करता हूं तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं कॉर्ड्स। ऑलराइट, तो अब इसमें दो टाइप के कॉर्ड्स होते हैं, मेजर एंड माइनर। अब यहां पे ऐसा अज्यूम नहीं करना कि मेजर, माइनर, शार्प, फ्लैट चार टाइप्स के कॉर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो दो टाइप के कॉर्ड्स होते हैं, मेजर एंड माइनर। तो हमें दो ही कॉर्ड सीखने। फर्स्ट हम सीखेंगे मेजर, तो उसका फॉर्मूला होगा 1 4 3। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखिए पहले तो हमें एक चीज सीखनी होगी, व्हाट इज सेमी टोन। ठीक है, हम जो 1/4 जो 3 काउंट करेंगे उसमें हम सेमीटोन्स यूज करेंगे। सेमीटोन क्या होता है कि जस्ट नेक्स्ट की। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्लेइंग सी नोट ऑन योर कीबोर्ड देन जस्ट नेक्स्ट की ऑफ सी वुड बी सी शार्प। ठीक है, नॉट डी, क्योंकि सी एंड डी के मिडल में एक की है, दैट इज सी शार्प। ठीक है, सो सेमीटोन ऑफ सी इज सी शार्प। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, पहले कोई भी नोट जो कॉर्ड हमें फाइंड करना है उस नोट को हम पकड़ लेंगे, फॉर एग्जांपल सी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके जैसे सीरियस पियानो लर्नर्स जो कि कॉर्ड्स की प्रॉब्लम में स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी मदद कर रहा हूं ताकि वो भी कॉर्ड्स को आसान से शिफ्ट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके एंड प्ले कर सके थ्रू माय कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हो आफ्टर द वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सी कॉर्ड फाइंड करना, सी नोट प्ले किया, अब हम चार सेमीटोन ऊपर जाएंगे। ऑलराइट, हम चार सेमीटोन ऊपर जाएंगे क्योंकि 1 4 3, तो हम चार सेमीटोन ऊपर जाएंगे। तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो अब जब हम फोर सेमीटोन ऊपर जाएंगे तब हमें मिलेगा हमारा कॉर्ड का सेकेंड नोट। ठीक है, तो पहले तो हमें मिल गया जो कॉर्ड हमें फाइंड करना, ऑब्वियसली सी कॉर्ड फाइंड करना तो फर्स्ट नोट सी होगा, एफ करना है तो फर्स्ट नोट एफ होगा। तो हमने सी फाइंड कर लिया, अब 1 2 3 4 हमें मिल गया सेकेंड नोट। अब 3, ठीक है, अब 3 सेमीटोन ऊपर जाना है, तो 1 2 3, तो ये हमें मिल गया हमारा मेजर कॉर्ड। बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या करना है, रूट नोट को प्ले करना है, फिर चार सेमीटोन मतलब नेक्स्ट की करते करते चार की आगे जाना है। ठीक है, ऊपर जाना है मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, 1 2 3 4 एंड देन जाना है थ्री नोट्स, 1 2 3। तो ये जो आपको फॉर्मेशन मिला उसे कहते हैं हम सी कॉर्ड, उसमें तीन नोट्स मिलेंगे एंड जब तीन नोट्स को साथ में प्ले करते हो तो उसे कहते हैं हम सी कॉर्ड। ठीक है, सो ये हमने मेजर कॉर्ड का फॉर्मेशन देख लिया, अब हम मूव करते हैं हमारे माइनर कॉर्ड के फॉर्मेशन पे। माइनर कॉर्ड का फॉर्मेशन बहुत ही आसान होगा, क्या करना है, पहले हमने 1 4 3 किया, अब करना है 1 3 4, एज सिंपल एज दैट। राइट, अगर आप इसको और आसानी से याद करना चाहते हो तो जो मेजर कॉर्ड आपने प्ले किया उसको माइनर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो मिडल नोट है उसको एक सेमीटोन डाउन कर देंगे। राइट, मतलब पहले 1 4 3 था तो अब 1 3 4 करेंगे, तो 4 का 3 हो गया मिडल नोट। राइट, तो एक माइनस किया हमने, एक सेमीटोन हम नीचे आए, तो हमने मेजर कॉर्ड में से जो मिडल नोट है उसको हम एक सेमीटोन पीछे लेके जाएंगे। तो एक सेमीटोन इसका पीछे जाएगा, ये हो जाएगा डी शार्प, तो ये हो गया हमारा माइनर कॉर्ड का फॉर्मेशन। देखिए, ये बहुत ही सिंपल चीज है। अब हम बात करते हैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स की। ठीक है, कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो और कैसे आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, सारे 12 नोट्स लिख लेना है, तो 12 मेजर कॉर्ड्स होंगे एंड 12 माइनर कॉर्ड्स होंगे। राइट, तो अब हम फाइंड करेंगे, सी तो हमने कर लिया, अब एक सी शार्प का एग्जांपल लेते हैं। तो सी शार्प नोट, अब चार सेमीटोन आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 सी शार्प एफ, दो नोट मिल गए। अब तीन सेमीटोन, 1
टू थ्री. तो ये हमें मिल गया हमारा कॉर्ड का थर्ड नोट. तो ऑल राइट, तो ये हमें मिल गया सी शार्प मेजर कॉर्ड. अब इसको माइनर करना है तो क्या करेंगे, हम मिडल नोट को उठा लेंगे एंड एक सेमीटोन डाउन कर देंगे. अब यहाँ पे एक सेमीटोन डाउन करना है तो यहाँ पे कोई ब्लैक की तो है नहीं बीच में, तो एफ के बाद कौन सी, मतलब पीछे कौन सी की होगी, ये हो गया हमारी ई. तो ये मिल गया हमें सी शार्प माइनर. ठीक है, देखिए अब हम जी कॉर्ड से फाइंड, जी नोट से फाइंड करते हैं अगर, तो यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए. ठीक है, जी कॉर्ड के नोटेशन क्या होंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि वन पहले क्या करना है, चार सेमीटोन ऊपर जाना है फिर तीन सेमीटोन ऊपर जाना है. तो जी कॉर्ड के आप नोट्स कमेंट करके मुझे बताएंगे. अब मूव करते हैं हमारे एक माइनर कॉर्ड पे. ठीक है, अब डायरेक्ट माइनर कॉर्ड फाइंड करना है आपको, मतलब आपको उसका मेजर नहीं पता लेकिन आपको माइनर प्ले करना है, तो आप कैसे करोगे. फॉर एग्जाम्पल आपको ई माइनर कॉर्ड प्ले करना है, तो पहले तो ई माइनर है तो हम ई नोट को तो प्ले करेंगे. ऑलराइट, तो अब हम करेंगे तीन सेमीटोन ऊपर, वन टू एंड थ्री. ये मिल गया ई माइनर कॉर्ड का सेकेंड नोट. अब चार सेमीटोन ऊपर जाएंगे तो वन टू थ्री फोर. तो ये हमें मिल गया ई माइनर कॉर्ड. ठीक है, सिंपल. तो आपको कॉर्ड फॉर्मेशन आ गया. अब हम बात करते हैं इसके फिंगर पोजीशंस की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्ड्स को प्ले करने का. अगर आप रॉन्ग फिंगर पोजीशंस प्ले करोगे, जो कि मैंने कोर्स में बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें समझाई है, तो क्या होगा कि अगर आप रॉन्ग फिंगर पोजीशंस प्ले करते हो तो जब आप आरपेजियोस प्ले करते हो तब आपकी फिंगर पोजीशंस अच्छे से मूव नहीं करती, क्योंकि आरपेजियोस इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद लेफ्ट हैंड. लेकिन अगर आपका लेफ्ट हैंड में प्रॉपर फिंगर पोजीशंस आपने यूज नहीं किया तो इसकी क्या गारंटी है कि आप आरपेजियोस में अच्छे से फिंगर्स को मूव कर पाएंगे. राइट, इसीलिए फिंगर पोजीशंस जानना बहुत ही जरूरी है. अब यहाँ पे हम फिंगर पोजीशंस की बात करें तो सारे जो कॉर्ड्स हम प्ले करेंगे एक्सेप्ट वन और टू कॉर्ड्स, जो कि मैं आगे मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, जो सारे कॉर्ड्स प्ले करेंगे उसके लेफ्ट हैंड की फिंगर पोजीशंस होगी हमारी 5 3 1. अब 5 1 2 3 4 5 को पहले एक बार अच्छे से देख लेते हैं. थंब वुड बी 1, इंडेक्स फिंगर 2, मिडिल फिंगर 3, रिंग फिंगर 4 एंड लिटिल फिंगर 5. तो अब हम लेफ्ट हैंड में 5 3 1, राइट, ये वाले को हम प्लेस करेंगे हमारे कॉर्ड्स के नोटेशन पे. मतलब जो फर्स्ट नोट है उस पे हम 5 फिंगर प्लेस करेंगे, सेकंड कॉर्ड है उसके ऊपर 3 फिंगर प्लेस करेंगे एंड लास्ट जो नोट है उसके ऊपर हम थंब प्लेस करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट फिंगर है. राइट, अब इसको प्ले करते टाइम ये जो दो फिंगर बची आपकी उसको आपको बैंड नहीं करना है, इसको ओपन रखना है. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ये फिंगर्स को अपने कीबोर्ड से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि आप इंश्योर करोगे कि आप रॉन्ग नोट प्ले ना करें. ठीक है, कभी क्या होता है कि आप प्ले करते हो तो ये नोट्स भी साथ में प्ले हो जाते हैं, ऐसा ना हो इसलिए इस फिंगर, जो दो फिंगर हम यूज नहीं कर रहे उसको थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे. तो ये हो गया हमारा कॉर्ड. एंड राइट हैंड में अगर आप कॉर्ड प्ले करते हो तो राइट हैंड में फिंगर पोजीशंस वही रहेगी लेकिन उल्टा कर देना है. पहले था 5 3 1, अब कर देंगे 1 3 5, एज सिंपल एज दैट. तो ये हो गया हमारा थंब. अगर राइट हैंड में कर रहे तो 1 सेकंड नोट पे 3 एंड लास्ट नोट पे 5. ठीक है, तो दोनों हाथों से करेंगे तो ये मिल गया हमें सी कॉर्ड. अब आपको ऐसे करके सारे 12 कॉर्ड्स जो है, मेजर 12 कॉर्ड्स है उसको फाइंड करना है. ये आपका आज का लेसन होगा. आप बुक में लिखना चाहो तो बुक में लिख सकते हो, कहीं पे टाइप करना चाहो टाइप कर सकते हो. ठीक है, क्या करना है, सारे 12 नोट्स जो है उसको आपको लिखना है और 12 मेजर कॉर्ड्स आपको फॉर्म करके अपने बुक में लिखना है. इसकी पीडीएफ में आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हो. लेकिन वो पीडीएफ को कब ओपन करना है, जब आप खुद लिख लो. फिर क्या करना है, 12 माइनर कॉर्ड्स लिखने. ठीक है, सो ये हो गया हमारा कॉर्ड्स के लर्निंग पार्ट, कि कैसे आप कॉर्ड्स को सीख सकते हो. अब हम मूव करेंगे हमारी सुपर एक्सरसाइज पे, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप कोऑर्डिनेशन को स्मूथ कर सकते हो. ठीक है, सो हियर वी गो. सो यहाँ पे एक्सरसाइज में पहले हम राइट हैंड में कुछ पार्ट सीखेंगे, क्योंकि राइट हैंड के साथ हम कॉर्ड प्ले करते हैं. राइट, तो ये कॉर्ड को शिफ्ट करने के लिए राइट हैंड में कुछ ना कुछ तो हमारे पास प्ले करने के लिए होना चाहिए. राइट, तो हम पहले कॉर्ड की पैटर्न लेंगे और उसके साथ राइट हैंड में कुछ नोट्स को ऐड करेंगे. तो कॉर्ड्स की जो पैटर्न होगी वो होगी सी जी डी ए ई बी एंड एफ शार्प. ठीक है, सो अब हम ये जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड के लिए हम कुछ नोट्स यूज करेंगे, दूसरे कॉर्ड के लिए कुछ और नोट्स यूज करेंगे. तो पहले सी कॉर्ड्स के नोट्स होंगे, ठीक है, आप मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि इस पे ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको राइट हैंड थोड़ा बहुत प्ले करना आता है ना, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल राइट हैंड को प्ले कर पाते हो, इसीलिए आप कॉर्ड्स पे मूव कर रहे हो. राइट, तो राइट हैंड पे ज्यादा नहीं करेंगे, आप सिर्फ नोट्स को देख सकते हो. इनफैक्ट बहुत ही आसान नोट्स है. और अब यहाँ पे इसके साथ आपको कॉर्ड को प्ले करना है. यहाँ पे जब आप फर्स्ट नोट प्ले करते हो राइट हैंड में, तब आपको सी कॉर्ड प्ले करना है अपने लेफ्ट हैंड से. तो इस तरीके से करेंगे.
सिंपल। फिर अब हम करेंगे जी कॉर्ड के नोट्स को, तो जी कॉर्ड के नोट्स होंगे डी सी बी ए जी ए बी सी। आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, तो क्योंकि हम इसमें लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारे जी कॉर्ड के नोट्स। अब यहां पे भी जब हम फर्स्ट नोट को प्ले करेंगे, वहां पे हम कॉर्ड प्ले करेंगे, कौन सा? जी कॉर्ड, राइट। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गए दो कॉर्ड हमारे। फिर तीसरा कॉर्ड है हमारा डी कॉर्ड, राइट। और डी कॉर्ड के नोट्स होंगे, इस सारे नोट्स आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसके साथ साथ आपने अपने आप नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपके लिए आसानी, आपको वीडियो को बार बार ना देखना पड़े और आसानी से आप सीख सके, राइट। तो ये हो गए नोट्स हमारे, फर्स्ट नोट पे कॉर्ड प्ले करेंगे, फिर ए नोट पे जाते, ए कॉर्ड के नोट्स पे जाते, तो यहां पे हम प्ले करेंगे ई, डी शार्प, सी शार्प, बी, ए, बी, सी शार्प, डी, सिंपल। अब इसका नेक्स्ट कॉर्ड होगा ई कॉर्ड, ई कॉर्ड के नोट्स होंगे बी, ए, जी शार्प, एफ शार्प, ई, F sharp, G sharp, ठीक है, एट नोट्स हम प्ले करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब में फिंगर पोजिशन यूज करनी है 5 4 3 2 1 2 3 4, तो E कॉर्ड के नोट्स होंगे। अब लास्ट सेकेंड कॉर्ड B कॉर्ड, अब यहां पे फिंगर पोजिशन थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं राइट हैंड में, और इसके नोट्स देख लेते, F sharp, E, D sharp, C sharp, B, C sharp, D sharp, E। तो इसमें आप अगर फाइव फिंगर, ये जो सेम फिंगर पोजिशन उसको यूज करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं करूंगा जो हम यूज कर रहे हैं वही यूज करेंगे। अब लास्ट कॉर्ड के नोट्स होंगे F sharp के नोट्स, उसको देख लेते हैं, C sharp, B, A sharp, G sharp, F sharp, G sharp, A sharp, B, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे सारे कॉर्ड्स के नोट्स हो गए। अब यहां पे मैं पूरा प्ले करके बताता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज को फॉलो करना है और बार बार रिपीट पे इसको प्ले करना है विद मेट्रोनम, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ एक्सरसाइज, लेकिन कॉर्ड्स मास्टरी जो कोर्स है हमारे, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी ने बनाया एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस, तो उस कोर्स में आपको ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में सीखने को मिलेगी। और आप उस कोर्स को फॉलो करने के बाद जैसा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने अचीव किया है, आप भी वैसा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड जो मैंने सवाल पूछा जी कॉर्ड के नोट्स उसको कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है, कोर्स को नोट डाउन करना है, आपको लेसन पता है आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, तो मैं मिलता हूं आपको इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।